कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए प्रशासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमने व्हाट्सएप ग्रुप प्राइमरी और मिडिल में फॉर्म किए हैं। हमारे जिला चंबा में 1190 प्राथमिक पाठशालाएँ हैं, 242 मिडिल स्कूल हैं। तो हर दिन जो है स्टेट से जो शेयर किया जाता है लिंक और सिलेबस शेयर किया जाता है, हमारे BRCC उसको आगे लिंक को फॉरवर्ड करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जो सिलेबस है वो बच्चों तक पहुंच जाता है, होमवर्क भी दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जुड़ें व्हाट्सएप ग्रुप में, ये हमारा प्रयास जारी है। इस समय बनीखेत ब्लॉक में 83% तक बच्चे हमारे इसमें जुड़ चुके हैं और ऑन द होल एवरेज हम कहें तो 70% के आसपास हमारी ज़िले की एवरेज है जो बच्चे जुड़ चुके हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हमारे अध्यापक उनको जो है नॉर्मल फ़ोन से जो मैसेज है वो मैसेज करते हैं और उस तरीके से ज़्यादा बच्चे इसमें जो लॉस हो रहा है पढ़ाई का उसको भरपाई हो सके। बाकी जो बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे, हमारे अध्यापक जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उसका क्विक रिवीजन जो है वो कर देंगे बच्चों के लिए, जिन्होंने व्हाट्सएप में ये शेयर किया है, पढ़ाई की है, उनके लिए रिवीजन होगा और जिन बच्चों जो बच्चे इससे वंचित रह गए थे उनके लिए तो पुनः जो है करवाया जाएगा। बाकी जिन दिनों में जो लॉकडाउन का पीरियड था, बच्चों को MDM सर्व नहीं हुआ है, सरकार के आदेशानुसार बच्चों को घर में वो MDM का राइस प्रोवाइड करवाने के लिए डिपुओं के माध्यम से वो डाटा कलेक्ट किया गया है अध्यापकों के द्वारा। तो इसमें जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके 34 विंटर में 34 वर्किंग डे बनते हैं, इसमें उनको 3 किलो 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति दिन के हिसाब से 3 किलो 400 ग्राम और जो राशि है कुकिंग कॉस्ट वो प्राइमरी में 152 रुपये और मिडिल में बच्चों को 228 रुपये। और समर की बात करें हम प्राइमरी में तो 30 वर्किंग डे आते हैं अप्रैल की छुट्टियों को काट के, 3 किलो चावल उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं और जो राशि है उनको 30 दिनों की 134 रुपये ये प्राइमरी के लिए और 201 रुपया अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए उनके खाते में डायरेक्ट भेजी गई। तो इसमें भी हमारा कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि इस माह के अंत तक ये सारा जो कार्य है बच्चों की ये कुकिंग कोर्स ट्रांसफ़र का और ये जो राइस का है ये पूरा हो जाएगा हमारा। जो हमारा अगले सत्र का अगले जो तिमाही का चावल है वहाँ से हम लेस करके जब भी स्थिति सामान्य होगी तो बाकी जो हमारा कोटा बचता होगा वो डिपो से हम उठा लेंगे। अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को ये जो समय 10 से 12 वाला है, हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम है, इस अवधि में बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन देकर उनको सिलेबस जो है आता है वो करवाएँ और अगर पड़ोस में कोई बच्चा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उसे भी वो हमारा अनुरोध रहेगा कि उसे ये शेयर करवाएं जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। व मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस दौरान लॉकडाउन का जो पीरियड है, जो प्रशासन बार बार अनुरोध करता है कि जो इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहने, बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलें और हैंड वॉशिंग का बच्चे खास ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।